तो अब हमारे पास कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है कि कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। तो मेन हेडिंग डालेगा विदाउट, लिखें इसको विदाउट कायरल कार्बन, विदाउट कायरल कार्बन कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, विदाउट कायरल कार्बन कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। देखो कैसे, सबसे पहले क्यूमुलिन, अगर आप इस क्यूमुलिन को देखते हो, ए बी, मुझे ये बताओ ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, तीन कार्बन है, नॉन प्लेनर। श्योर, दो कार्बन वाली प्लेनर होती है, आ रही है बात समझ में? तो जब ये नॉन प्लेनर हो रही है, दूसरा इसमें ये जो बनेगी ना क्यूमुलिन, ऐसा लगेगा ये जो है ना कार्बन, सपोज आपको लग रहा है इस क्यूमुलिन को ऐसे समझो कि ये वाले जो कार्बन है, ये इसको काटेंगे ना तो ऊपर ए आएगा नीचे बी आएगा, ये ऐसे काटते हैं, ये वाले ए बी, ये ए बी है, समझना, ये मेरा हाथ क्या है ए, ये मेरा हाथ क्या है बी, और मैं ऐसे प्लेन ले जा रहा हूं, ले गया। जो ऐसे ले जाना है ना, तो ये दूसरा ए है वो ऊपर है और नीचे है बी, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी? नहीं। तो जिस कंपाउंड में पीओएस नहीं होता, भले ही फिर उसके बाद पीओएस नहीं है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्यूमुलिन ऐसी होती, इस तरह की होती, ए ए और ए बी, मैं इस ए बी को लेता, काटता हुआ जाता और ऐसे जाता, ऊपर भी है नीचे भी है, तो समझ में आ रहा है? तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। तो जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, फिर वो ऑप्टिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे ये वाला जो ए बी है, ये मान लीजिए ए, ये बी, बाकी कार्बन तो सब एक लाइन से काटता चला गया, और जब मैं लास्ट में पहुंचा तो एक ए ऊपर है और नीचे यूं है ए, बिल्कुल ऐसा कटेगा, ऊपर भी है नीचे भी है, सिमेट्री दिख गई आपको? तो जब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी इसके अंदर, तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या था बेटा, ए बी को काट रहा था, लास्ट तक काटा और ऊपर ए आ रहा था और नीचे बी आ रहा था, तो पीओएस नहीं दिख रहा था। तो अब मुझे बताओ, ये कंपाउंड है ए बी, ये कंपाउंड है ए बी ए बी, ये कंपाउंड है ए ए बी ए, क्या ये प्लेनर है? ये तो प्लेनर है, तो पीओएस इसमें है, तो पूरे चारों के चारों मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ गए, ऊपर भी कुछ भी नहीं है नीचे भी कुछ भी नहीं है, पक्का? यानी ये चारों एक ही मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आते हैं। आपको मालूम है, कभी मैंने एल्कीन का डायग्राम देखा हो, ये कार्बन, समझना, मैं कार्बन हूं, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये दूसरा कार्बन है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है हमें, टिंग, लेकिन पाई बॉन्ड को देखते ही नहीं अपन। अब मैंने ये प्लेन ऐसे बना दिया, टिंग 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 टिंग, तो सारे एटम मेरे इसी प्लेन में आ गए। जब सारे एटम मेरे इसी प्लेन में आ गए, तो पीओएस है और प्लेन है, तो जिसमें भी पीओएस है ऑप्टिकली इनएक्टिव पहले, और ये मैंने काटा, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस है, तो इनमें एक ही है जो ऑप्टिकल एक्टिव है।
inactive, और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। कोई समझ में आया? लिखे इधर देखो, एक और पॉइंट देख लेते अपन। ये कौन सा है? बाईसाइक्लो। ठीक है, ये मैंने प्लेन ले लिया है, पूरा प्लेन जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन में नहीं आएगा। क्यों? ये ऐसे होते हैं। अब तो चलो कुछ तो सुधारा अपने आप में आपने, तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करता हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीन कार्बन हो गए, ये सी एच थ्री ओ एच, सी एच थ्री ओ एच। जैसे मैं यहां से जा रहा हूं सी एच थ्री ओ एच लेता हुआ, ऐसे गया, सी एच थ्री ऊपर है, ओ एच ऊपर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? नहीं। तो पी ओ एस होगा इसमें? नहीं। तो ऑप्टिकली क्या होगा? ये एक्टिव, मतलब इसमें कोई कायरल नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यही कंपाउंड ऐसे होता, सी एच थ्री ओ एच और सी एच थ्री ओ एच, तो सी एच थ्री और ओ एच यहां होता, दो को हटाया जा सकता है, अपन ने यही करा, प्लेनर हो गया, जो कंपाउंड ही प्लेनर है, पैदा ही प्लेनर है, वो तो पीओएस रखेगा ही रखेगा, तो ये पीओएस रखता है, हाँ, और पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखें इसको, एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपकी खुशी के लिए। ये कैसा होगा? मान लो ये आपका चाह रही है, आप इसको काटोगे, ऊपर ऑक्सीजन आएगा, नीचे कार्बन आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो पीओएस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है, मेरे आंसर का इंतजार करते हो थोड़ी सी देर, ये यूं कट रहा है, ठीक है ना, नहीं है, तो ये इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव। कल से सब बच्चे नींद निकाल के आएंगे प्रॉपर तरीके से। श्योर, इधर से देखो, इधर से काटा इसने आरी से, सही है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। इधर से भी देख ले, हमें तो हर तरह से चेक करना पड़ता है, इधर से काटा इसने, यानी ये चारों पांचों एटम, एक दो तीन चार और ये पांच, जिस है प्लेन में उससे काटा आपने, तो ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी ऑक्सीजन, पीओएस आ गया। हाँ, ये ऐसे है, आप इससे भी काट सकते हो, आप इससे भी काट सकते हो, इस जगह आपने इससे काटा, पीओएस मिल जाएगा, पीओएस मिलते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ समझ में आई बात? और इसमें आप इससे काटो या इससे काटो, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे ये बेंजीन इस तरह की रिंग को देखो, एनओ टू ओ एच, ओ एच एनओ टू, या एनओ टू ही कर देते हैं। आप सोचो ये भी ऐसे ही रहेगी, जैसे ही इस वाली से काटा आपने, आप समझो ऐसे, हाँ ये वाला है, जैसे ही इस फिनाइल से इसको काटा,
ऊपर NO2 आएगा एक तरफ और एक तरफ नीचे OH आएगा, POS है? नहीं। इससे काट के देख लो, पहले इससे काटा था, अब इससे काट के देख लो, NO2 उधर OH इधर, POS है? नहीं। तो POS कहीं पे भी नहीं आ रहा ऑप्टिकली, एक्टिव यस और नो? हाँ, अगर यहां पर भी NO2 होता POS आता और इनएक्टिव हो जाता। खुद से बना लोगे ये? करो।